यहां गृह मंत्री ये नाते नहीं आया, मैं यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये नाते यहां पर आप सबके बीच में आया, क्योंकि असम की महान भूमि जो कामाख्या की भूमि है, शंकरदेव माधवदेव की भूमि है, उस भूमि को कई साल तक कांग्रेस ने विघटन की भूमि, आतंकवाद की भूमि, हड़तालों की भूमि, आंदोलनों की भूमि बनाया था। और पूरे देश भर को चिंता थी, असम की जनता को भी चिंता थी, समग्र उत्तर पूर्व को चिंता थी कि देश का ये हिस्सा अगर मुख्य धारा से कटता है तो क्या होगा। चार चार देशों की सीमा जिस उत्तर पूर्व से मिलती है, वहां पर ना शांति थी, ना विकास था, ना संस्कृति, संगीत, भाषा का विकास हो रहा था, ना यहां पर पढ़ाई लिखाई ठीक से हो रही थी। मुझे आज बहुत आनंद और हर्ष है 2014 से लेकर 2022 के अल्पकाल के अंदर आज पूरा नॉर्थ ईस्ट और हमारा असम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। और मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए इस सौभाग्य का विषय है कि ये नॉर्थ ईस्ट का विकास और भाजपा का नॉर्थ ईस्ट में विकास दोनों समांतर चले। आज ये सब वरिष्ठ कार्यकर्ता यहां बैठे हैं, मैं भी यहां विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था, कल ही हेमंत जी को कहा, बहुत मार मारा था हमें हितेश्वर साइकिया ने, और नारे लगाते थे असम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है, बहुत पीटा था हमें। उस वक्त कल्पना नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी कभी अपने बूते पर असम के अंदर दो दो बार सरकार बनाकर यहां विकास का रास्ता प्रशस्त करेगी। और आज देखिए साहब, मैं भूमि पूजन करने आया था, सर्वदा के कान में कहा था, सर्वदा भूमि पूजन तो करा रहे हो, ये पूरा होगा क्या? क्योंकि हेमंत जी ने बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लिया था, 6 मजले का मकान, वो भी असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट का अलग कार्यालय। फिर भी मैंने तो भाई ईश्वर प्रार्थना कर भूमि पूजन किया था। आज मुझे बहुत हर्ष है कि आज वो 6 मजले का इमारत यहां खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कार्यालय कोई भवन नहीं होता है, कार्यालय भावनाओं का एक पुलिंदा होता है, सिर्फ भवन नहीं होता है, यहां कार्य का आलय होता है, यहां कार्य का रेखांकन होता है। और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास की योजनाएं बनती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय और कोई पार्टी के लिए ईंट चूना पत्थर से बना हुआ मकान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये मंदिर से कम नहीं होता है। मित्रों, आज ये भव्य कार्यकर्ताओं के मंदिर को यहां देखकर मुझे मन में बहुत हर्ष हो रहा है। नड्डा जी यहां बैठे हैं, आज देश में हर जिले में कार्यालय बनाने की योजना और उसका क्रियान्वयन हो रहा है। मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, मगर इतना कह सकता हूं कि 2024 के पहले हमने जो तय किए हैं वो 90% से ज्यादा जिलों में जिला कार्यालय का निर्मिति पूरा हो जाएगा, जिसमें हमारा असम भी होगा। मित्रों, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के विकास का इतिहास अद्भुत है, त्याग और बलिदानों से भरा हुआ है। अभी हेमंत जी ने अपने भाषण में कहा, 80 के बाद श्री कविंद्र पुरकायस्थ, रमन डेका भी यहां पर उपस्थित है, और हरिपाद देव, लेखेश्वर गोहेन, बंगीश दास जैसे कई कार्यकर्ता, सारों को आज मंच पर बुलाया है, वो हमारे लिए हमारे संस्कार का एक अद्भुत प्रकार से संस्कार को संचित करने का प्रयोग है। मित्रों, इन लोगों ने पूरा जीवन जब भारतीय जनता पार्टी को यहां सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं थी और बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी,
तब आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, एक बीज बोने का काम किया, और आज मोदी जी के नेतृत्व में वो बीज एक वटवृक्ष बनकर पूरे उत्तर पूर्व को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को छांव देने का काम कर रहा है। मोदी जी ने जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को विकास के लक्ष्य तय किए, विकास के लक्ष्य के साथ साथ एक भव्य पुरुषार्थ किया, 42 से ज्यादा बार मोदी जी 8 साल में नॉर्थ ईस्ट में आए हैं, हर 15 दिन में एक मंत्री केंद्र सरकार का नॉर्थ ईस्ट में आता है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी होता है, चाहे मैं हूं या नड्डा जी हो, अपने एक टर्म में दो दो बार नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में अमूमन जाकर रात्रि निवास करता है, और इसके कारण नॉर्थ ईस्ट और भारत के बाकी के हिस्से में कांग्रेस के 70 साल के अंदर जो मनमुटाव था, जो दूरियां थी, वो दूरियां सारी पाटकर आज नॉर्थ ईस्ट मेन स्ट्रीम में आया है और विकास आगे बढ़ा है। नॉर्थ ईस्ट की हर राजधानी को रेलवे से जोड़ने का प्रकल्प, हर राजधानी को एयरपोर्ट देने का प्रकल्प, और नॉर्थ ईस्ट के बजट को 3 गुना करकर नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का प्रकल्प नरेंद्र भाई ने लिया है। और सबसे बड़ी बात है मित्रों कि हमने यहाँ पर शांति की स्थापना की है, बोडो समझौता हो, ब्रू समझौता हो, ढेर सारे हथियारी ग्रुपों ने अपने हथियार डाले। 2014 से लेकर 2022 तक करीब करीब 9000 युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम के अंदर आए हैं, और आज इसका परिणाम देखिए, 2006 से 2014 में 8787 घटनाएं हुई थी, और 2014 से 22 में वो घटनाएं घटकर 2250 तक पहुंची है। मत कहां 8700, कहां 2250। सुरक्षा बलों की मृत्यु 500 से ज्यादा थी, वो कम होकर 128 तक सीमित हुई है, और नागरिकों की मृत्यु 2300 से ज्यादा थी, वो कम करकर 385 तक पहुंची है। मित्रों ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये 8 साल नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्थापित करने के 8 साल। अभी राहुल बाबा कांग्रेस को एक एजेंडा दिए थे, उस एजेंडा में उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर से अपसफा हम हटाएंगे अगर सत्ता में आएंगे तो, उन्होंने तुष्टिकरण के लिए किया था। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, पत्रकारों ने पूछा था कि आप अपसफा हटाएंगे, मेरे को अपसफा तब हटता है जब शांति होती है, और हम शांति भी करेंगे, अपसभा भी हटाएंगे, मगर तुष्टिकरण के लिए नहीं हटाएंगे। मित्रों आज आसाम का 60% से ज्यादा क्षेत्र इस स्पेशल एक्ट से मोदी जी और हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में बाहर हो गया है। नागालैंड में सिर्फ 7 जिले बचे हैं, त्रिपुरा मेघालय पूरा मुक्त हो चुका है, मणिपुर के सिर्फ 6 जिले बचे हैं। मित्रों आज पूरे उत्तर पूर्व के अंदर शांति करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और कई प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ आए हैं। हेमंत विश्व शर्मा से मेरी बात हुई है, यहाँ पर एक भव्य फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की कॉलेज भी बहुत कम दिन के अंदर हम स्थापना करने जा रहे हैं मित्रों, और 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को नौकरी देने का जो वादा था उसका भी चरणबद्ध कार्यक्रम हमने तैयार कर लिया है। आज आसाम के लिए, आसाम के सभी कार्यकर्ताओं के लिए और देश भर के भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत आनंद का उत्सव है, आनंद का दिन है कि आसाम के अंदर इतना भव्य कार्यालय बना है। मैं ऊपर जाकर देख कर आया हूँ मित्रों, आसाम का हमारा कार्यालय
दिल्ली मुख्यालय से एक तसु भी नीचे नहीं है, बल्कि थोड़ा बढ़कर ही। इतना आधुनिक कार्यालय यहाँ देखकर मन को बहुत शांति और संतोष का अनुभव होता है। मैं हेमंत विश्व शर्मा अध्यक्ष जी, सर्वानंद जी, विजय पांडा और जामवाल जी सभी को, ये कार्यालय के बनने तक जो लोग यहाँ पर अलग अलग दायित्व में रहे, सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ।